हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल रोचन कंप्यूटर पर। तो आज के इस क्लास में ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए पूरा एक मॉडल पेपर कराएंगे, जिसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे और इस 100 प्रश्नों के लिए आपको टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में जो आपके एक पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 प्रश्न आते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। कम से कम इस एग्जाम को पास करने के लिए जो अंक लाने होते हैं वो कितने होते हैं इसमें, तो 50 नंबर होते हैं, तो कम से कम 50 अंक लाने होते हैं अभी आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। और इस पेपर के लिए आपको जो टोटल समय मिलता है जो 20 मिनट के लिए मिलता है, यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या ट्रिपल सी एग्जाम नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है। तो आपको बता दें कि अगर अभी की बात करें, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इन फ्यूचर में कभी ऐसा होता है तो उसकी जानकारी NIELTS स्टूडेंट पोर्टल पर मिल जाएगी, फिर आप चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ठीक है, देखिए एक चीज आपको बता दूं कि पूरा क्लास आपके लिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे इस मॉडल पेपर का PDF लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF ले सकते हैं। तो बाद में आपको बताएंगे क्लास के अंत में कि कैसे आप इसका PDF फ्री में ले सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाए। जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए। आज क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पेपर से पहले पेपर हम आप सभी को करा रहे हैं, मॉडल पेपर सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चंस आप सभी को एग्जाम्स में आएगा। क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो आपका मॉडल पेपर है बिल्कुल एग्जाम के जैसा ही है। तो आप सभी को आज की क्लास में लास्ट तक बने रहना है और एक एक क्वेश्चंस को आप सभी को आंसर देना है। 100 क्वेश्चंस में आप देखिए कितने क्वेश्चंस को आप करेक्ट कर पा रहे हैं, आप हमें बताइएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास में जुड़ जाइए, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जल्दी से आप सभी बच्चों को क्लास में जुड़ जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास के पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है स्टूडेंट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ HTTP। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का जवाब करना है आप सभी बच्चों को, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ HTTP। HTTP का पूरा नाम क्या होता है बताइए आप सभी। जो बच्चे हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं आप सभी बच्चों को लाइव सेक्शन में सभी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ट्विटर, ट्विटर क्या है बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, माइक्रो ब्लॉगिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फाउंडर ऑफ ईमेल, ईमेल के जनक कौन है स्टूडेंट्स आप सभी बच्चों को बताना है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चों को क्लास में एंड तक बने रहना है क्योंकि आज क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में ये क्लास काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट। एक भी क्वेश्चन को आप सभी बच्चे मिस मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को बी केयरफुली पढ़िए और उसका जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रे टॉमली सॉन। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस, निम्नलिखित में से कौन ईमेल पते का हिस्सा नहीं होता है बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, रूटर वर्क्स सिमिलर टू, रूटर डेस्क के लिए समान कार्य करता है, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ब्रिज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ व्हिच, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वैन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, गूगल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर यूजिंग IMPS सर्विसेज, IMPS सेवा का उपयोग करने की समय सीमा क्या होती है तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताइए आप सभी बच्चे
स्टूडेंट्स आप सभी के एग्जाम्स में ट्रिपल्स एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप सभी लैंग्वेज में आप सभी का क्वेश्चन आता है और इसी तरीके से चार ऑप्शंस होते हैं। आप सभी को बताना होता है कि इस क्वेश्चंस में सही ऑप्शंस कौन सा है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चंस का सही जवाब क्या होगा। IMPS सेवा का उपयोग करने की समय सीमा क्या होती है, तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 24x7 डेली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम, भीम का फुल फॉर्म क्या होता है, बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भारत इंटरफेस फॉर मनी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूसीई, यूसीई का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी बच्चों को बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर अनसोलिसिटेड कमर्शियल ईमेल। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फायरफॉक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, लोकल एरिया नेटवर्क इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसके लिए लोकल एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट ट्रिपल सी एग्जाम में, क्योंकि आज की क्लास आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी को क्लास में एंड तक बने रहना। बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, हु इज नो एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर जॉन एम्स कैर्थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर्ड इन द प्रोसेस स्पीड ऑफ ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की प्रक्रिया गति से मापा जाता है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हर्ट्ज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर टू मेजर क्लासेज ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख वर्ग है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, निम्नलिखित में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी इकाई होती है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो जल्दी बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर टेरा बाइट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, विच वाज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा था, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, ऑन विच वेबसाइट्स वी कैन बुक तत्काल टिकट्स, हम किस वेबसाइट पर तत्काल टिकट्स बुक कर सकते हैं, तो जल्दी से आप सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर www.irctc.com। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फ्लोइंग हैव द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे छोटी होती है, तो बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फ्लॉपी डिस्क। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर सीडीज और डीवीडीएस, सीडीज एंड डीवीडीएस किस प्रकार के उपकरण, तो बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर स्टोरेज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट अ वर्ड, यू पोजिशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड एंड देन, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर क्या करते हैं, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ड्रैग माउस व्हाइल होल्डिंग डाउन बटन।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। This is processed by the computer into information. This को कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, डाटा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। फाइल एक्सटेंशन आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग बेस के लिए किया जाता है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर, सबसे आम प्रकार के स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, मैग्नेटिक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। द टेस्ट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स को उसके घटकों का उपयोग करने का तरीका बताता है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। आप सभी बच्चे जल्दी शेयर कर दीजिए और आप सभी बच्चों को क्लास में इन तक बने रहना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, एक भी क्वेश्चन को आपसे मिस मत कीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम्स है और आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल आज की क्लास। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, निम्नलिखित सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण हैं सिवाय इसके, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, स्पैम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। एंड सिस्टम इज ए स्मॉल वायरलेस हैंड हेल्ड कंप्यूटर दैट स्कैन्स एंड आइटम्स टैग एंड कॉल्स अप द करंट प्राइस एंड एनी स्पेशल ऑफर्स एज यू सॉ। एंड सिस्टम का एक छोटा वायरलेस हैंडलेड कंप्यूटर है जो स्कैन करता है और आइटम का टैग और वर्तमान मूल्य और कोई विशेष ऑफर जैसे आप खरीदारी करते हैं, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताना आप सभी बच्चों को, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, PSS। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल फ्रॉम अ क्रिमिनल कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट स्पेशलिटी। किसी अपराधी के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता कानून प्रवर्तन विशेषता का एक उदाहरण है, जिसे क्या कहा जाता है, आप सभी बच्चों को बताना। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, कंप्यूटर फोरेंसिक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। सर्जन्स कैन परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस थ्रू कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ मैनुअली, दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सर्जन हाथों के बजाय कंप्यूटर के माध्यम से उपकरणों में हेर फेर करके नाजुक ऑपरेशन कर सकते हैं, इस तकनीक को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, आप भी बताना आप सभी को में जाना जाता है, बताना आप ही बच्चों को। जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, रोबोटिक्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। अ क्लाइंट प्रोग्राम यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विसेज एंड डेथ रिसोर्सेज अवेलेबल थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट सेवाओं तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक क्लाइंट प्रोग्राम और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से उपलब्ध संसाधन होता है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, वेब ब्राउजर्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। फाइबर ऑप्टिक्स हैव द एडवांटेज ऑफ, फाइबर ऑप्टिक्स का लाभ क्या है, बताना आप सभी बच्चों को। जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यूजिंग डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेजेस ऑन द www, अपने वेब पेजों को www पर डालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, बताना आप सभी बच्चों को। जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द वेब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर सूचना सुरक्षा से संबंधित नहीं है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी बताइए
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इन्फॉर्मेशन रिटर्न वॉल। जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर। बताना आप बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन अन्य सदस्यों से भिन्न है, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, गूगल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, दिस इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन्स दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमन डू। वे विज्ञान है जो ऐसी मशीनों का उत्पादन करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मानव करता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई बोला जाता है इसमें। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, दिस इज द डाटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। वे डाटा जिसे सार्थक तरीके से व्यवस्थित या प्रस्तुत किया गया है। तो जल्दी से बताना आपसी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, इनफॉरमेशन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, द नेम फॉर द वे दैट कंप्यूटर्स मैनिपुलेट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। कंप्यूटर डाटा को सूचना में हेरफेर करने की तरीके को क्या कहते हैं। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चों को इस क्लास से हेल्प मिल सके पीपल्स एग्जाम में। तो आप सभी क्लास को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, शेयर कर दीजिए आप सभी बच्चे। और क्लास में एंड तक आप सभी बच्चों को बने रहना है क्योंकि आज क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, एक भी क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को मिस नहीं करना है। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। बताइए आप सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीआरएस। एबीआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइए आप सभी बच्चे, जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, क्यूआर कोड इज इवैल्यूएटेड स्कैन बाय होम। क्यूआर कोड का मूल्यांकन स्कैन किसके द्वारा किया जाता है, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, कैमरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द नेम ऑफ मेकिंग एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, वेब होस्टिंग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्विक रेस्पॉन्स कोड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल व्हिच लाइन डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ द मैसेज। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, सब्जेक्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, कैन अमंग द ग्रुप्स ऑफ पीपल वाई इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच में रेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप सभी बच्चों को बताना है, जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईएमपीएस। आईएमपीएस का अर्थ क्या होता है, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी। बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। पीपल्स एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है स्टूडेंट, एनईएफटी का पूरा नाम क्या होता है, जल्दी बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, सम वेबसाइट्स दैट नेटवर्क विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आर कॉल्ड।
कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को बताना है, जल्दी बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51, अ वेन कवर्स अ लार्ज ज्योग्राफिक डिस्टेंस सच एज अ स्टेट, अ कंट्री और इवन द एंटायर वर्ल्ड। अवेन एक बड़ी भौगोलिक दूरी को कवर करता है, जैसे कि एक राज्य, एक देश या तक की पूरी दुनिया। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। स्टूडेंट ट्रिपल सी एग्जाम में 5 या 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, तो ट्रू फॉल्स भी आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम ट्रू फॉल्स को भी रखे हैं क्योंकि आपका मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर में सभी मिक्स क्वेश्चन को हमने रखा है जो कि ट्रिपल सी में पूछे गए प्रश्न है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, अ मैन कवर्स अ लिमिटेड जियोग्राफिक डिस्टेंस सच एज ऑफिस बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स इन क्लोज प्रॉक्सिमेटली टू ईच अदर। मैन एक सीमित भौगोलिक दूरी को कवर करता है, जैसे कि एक कार्यालय भवन या एक दूसरे के निकट की इमारतों का समूह। बताना है आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, बैंडविड्थ रिफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिकेशन लाइन। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बैंडविड्थ संचार लाइन की क्षमता को दर्शाता है। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कैन ओनली बी डन फॉर द सिलेक्टेड टेक्स्ट और एंटायर डॉक्यूमेंट। वर्तनी और व्याकरण की जाँच केवल चयनित पाठ या संपूर्ण दस्तावेज के लिए की जा सकती है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताइए आप सभी, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो होगा आपका ट्रू हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55, अ सिस्टम दैट कैन प्रोसेस टू और मोर प्रोग्राम्स इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। एक प्रणाली जो दो या अधिक क्रमों को संसाधित कर सकती है उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए, स्टूडेंट्स आज क्लास काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास से और भी बच्चों को ट्रिपल सी एग्जाम में हेल्प मिल सके, तो आप सभी बच्चे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और क्लास में एंड तक बने रहिए, क्योंकि आप एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप सभी मिस मत कीजिए। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, द चैनल विथ द ग्रेटेस्ट बैंडविड्थ इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57, द एसेंशियल फीचर्स फॉर द TCP/IP प्रोटोकॉल इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस एंड रिफॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस द इंटरनेट। TCP/IP प्रोटोकॉल के लिए एक आवश्यक विशेषताओं में उपकरण की पहचान करना, भेजना और प्राप्त करना और इंटरनेट पर प्रसारण के लिए सूचना को पुनः स्वरूपित करना शामिल है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका ट्रू होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58, द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डाटा ट्रांसमिशन इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के समूह को प्रोटोटाइप कहा जाता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा आपका फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59, TCP कन्वर्ट्स टेक्स्ट बेस्ड एड्रेसेज टू न्यूमेरिक IP एड्रेसेज। एक TCP टेक्स्ट आधारित पतों को संख्यात्मक IP पते में परिवर्तित करता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 60, ऑन नेटवर्क अ सर्वर कैन बी अ नोड। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, एक नेटवर्क पर एक सर्वर एक नोड हो सकता है, जल्दी बताइए। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61, इट इज पॉसिबल टू सेंड अ वर्म और वायरस ओवर द इंटरनेट यूजिंग एन अटैचमेंट। अटैचमेंट का उपयोग करके इंटरनेट पर वर्म या वायरस भेजना संभव है।
तो बताना है उसी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताइए आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62। यू कैन ओनली सेंड वन अटैचमेंट पर ईमेल मैसेजेस। आप प्रति ईमेल संदेश केवल एक अनुलग्नक भेज सकते हैं। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। The delete key is for deleting text. It will not delete message from your inbox. तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। डिलीट किए टेक्स्ट को हटाने के लिए यह आपके इनबॉक्स से संदेशों को नहीं हटाएगी। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताइए आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 64। प्रोसेसिंग द डिलीट की एंड क्लिकिंग द डिलीट बटन प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। डिलीट की को दबाने और डिलीट बटन पर क्लिक करने से वही परिणाम मिलता है। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। विंडोज प्रोवाइड जीयूआई एंड मल्टीटास्किंग फीचर्स। विंडोज जीयूआई और मल्टीटास्किंग सुविधाएं प्रदान करता है। तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को ट्रू होगा या फॉल्स होगा। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। द बार एट द टॉप ऑफ विंडो इज कॉल्ड एप्लीकेशन बार। विंडो के शीर्ष पर स्थित बार को एप्लीकेशन बार कहा जाता है। तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। इन अ कंप्यूटर सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट आर नॉर्मली स्टोर्ड इन द सेम फाइल। एक कंप्यूटर सिस्टम में संबंधित दस्तावेज सामान्य रूप से एक ही फाइल में संग्रहित होते हैं। तो बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, फॉल्स। तो जिस बच्चे ने फॉल्स बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट और प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम को अक्सर सॉफ्टवेयर वातावरण या प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69। इन आउटबॉक्स यू मस्ट स्टोर ऑल ऑफ योर मैसेज इन द बॉक्स। आउटलुक में आपको अपने सभी संदेशों को इनबॉक्स में स्टोर करना होगा। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70। कंप्यूटर्स विद टर्म प्रोसेसिंग स्टोरेज डिस्प्ले एंड रिमोट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज आर अवेलेबल ऑन डेस्कटॉप एंड पाम टॉप मॉडल्स। जबरदस्त प्रोसेसिंग स्टोरेज डिस्प्ले और रिमोट संचार क्षमताओं वाले कंप्यूटर डेस्कटॉप और पाम टॉप मॉडल पर उपलब्ध हैं। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। डिस्पाइट द इंक्रीजिंग पॉपुलरिटी ऑफ कंप्यूटर्स देयर आर मेनी मिसकंसेप्शंस अबाउट देम। कंप्यूटर की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद इनके बारे में कई भारतीयां हैं। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताइए आप सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। तो जिस बच्चे ने भी ट्रू बताया उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग स्टोरिंग डाटा मेकिंग कैलकुलेशंस एंड कंट्रोलिंग मशीनरी। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग डेटा के विश्लेषण भंडारण गणना करने और मशीनरी को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। द प्रोसेसर टूडे आर वेरी पावरफुल विथ कैपेबिलिटीज टू प्रोसेस अप टू टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। प्रोसेसर आज बहुत शक्तिशाली है और प्रति सेकेंड लाखों निर्देशों को संसाधित करने की क्षमता रखते हैं। तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है लैन कैन बी कनेक्टेड टू द अदर लैंस यूजिंग अ गेटवे। गेटवे का उपयोग करके लैन को अन्य लैन से जोड़ा जा सकता है। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए आप सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ट्रू। अगला प्रश्न है द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लैन। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। इंटरनेट लैन का एक उदाहरण है। बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका
फॉल। अगला प्रश्न है द प्राइमरी डिफरेंस अमंग लैंड वैन एंड मैन इज द जियोग्राफिक रेंज। लैंड वैन और मैन के बीच प्राथमिकता अंतर भौगोलिक सीमा है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ट्रू। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी बच्चे क्लास में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आप एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 जो कि इन अ लैन एनवायरनमेंट अ नेटवर्क गेटवे डिवाइस कैन कनेक्ट सेवरल ग्रुप्स इवन इफ देयर कॉन्फिगरेशंस आर डिफरेंट। लैन वातावरण में एक नेटवर्क गेटवे डिवाइस कई समूहों को कनेक्ट कर सकता है भले ही उनका कॉन्फिगरेशन भिन्न हो, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78 यू कैन सर्च फॉर अ फाइल इन विंडोज व्हेन इफ यू नो ओनली पार्ट ऑफ द फाइल नेम। आप विंडोज में फाइल खोज सकते हैं भले ही आप फाइल नाम का केवल एक हिस्सा जानते हैं, तो जल्दी से बताना इसी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 व्हेन यू कनेक्ट टू द इंटरनेट योर कंप्यूटर इज कम्युनिकेटिंग विद अ सर्वर एट योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP। तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 कंप्यूटर फॉरेंसिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड टेक्निक्स टू गैदर लीगल एविडेंस। कंप्यूटर फॉरेंसिक कानून सबूत इकट्ठा करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम और तकनीकों का अनुप्रयोग है, तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81 हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर दोनों का मिश्रण क्या होता है, तो बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82 यूनिक्स इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83 ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है, तो जल्दी बताना इसी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं क्लास को शेयर करना लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्लास में एंड तक बन रही है क्योंकि आप एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आप सभी बच्चों को मिस नहीं करना। तो बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को। अरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84 टू मेथड्स यूज इन पैकेट स्विचिंग आर डाटाग्राम एंड वर्चुअल रियलिटी। पैकेट स्विचिंग में उपयोग की जाने वाली दो विधियां हैं डाटाग्राम और आभासी वास्तविकता, बताना इसी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जल्दी बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 द रूल्स यूज्ड फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्रोटोकॉल। सॉफ्टवेयर की सरलता के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम प्रोटोकॉल हैं, तो बताना इसी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86 अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अ प्रोग्राम। निर्देशों का एक सेट का एक कार्यक्रम है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन इज मच फास्टर देन सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन की तुलना में समांतर डाटा ट्रांसमिशन बहुत तेज है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88 काउंटर्स आर डिजिटल सर्किट फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डाटा। काउंटर डेटा के अस्थायी भंडारण के लिए डिजिटल सर्किट है, तो बताना है बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89 द मेन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड परम। नेटवर्क में मुख्य कंप्यूटर को परम कहा जाता है, तो बताना है बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90 एन एक्टिव डॉक्यूमेंट इज अ कॉपी ऑफ ए प्रोग्राम रिट्रीव्ड बाय द क्लाइंट एंड रन एट द सर्वर साइट। एक सक्रिय दस्तावेज क्लाइंट द्वारा पुनः प्राप्त किए गए प्रोग्राम की प्रतिलिपि है और सर्वर साइट पर चलाया जाता है, जल्दी बताना किसी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91
Web browsers are also used for net surfing, which is cruising on the internet, looking for interesting sites to visit. Web browser का उपयोग नेट सर्फिंग के लिए भी किया जाता है, तो जो इंटरनेट पर भंडारा है और दिलचस्प साइटों की तलाश में है। जल्दी बताना आपसी बच्चे को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। अ डायनेमिक वेब डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय अ सर्वर ओनली एट ब्राउजर्स रिक्वेस्ट। एक गतिशील वेब दस्तावेज केवल ब्राउजर के अनुरोध पर सर्वर द्वारा बनाया जाता है, तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। कुकीज स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेब पेजेस यू विजिट इन सर्वर कंप्यूटर। कुकीज सर्वर के कंप्यूटर के आपके द्वारा देखे जाने वाले वेब पेजेस के बारे में जानकारी संग्रहित करती है, तो जल्दी बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। बताइए आप सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 93 का राइट ऑप्शन बताना आप सभी बच्चों को। मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 94। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम दैट इनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर निर्देशों या प्रोग्रामों का समूह है जो हार्डवेयर को विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाता है, तो जल्दी बताना आप बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। नेटस्केप मैसेंजर इज द ईमेल क्लाइंट पैकेज विद नेटस्केप कम्युनिकेटर 4.0। नेटस्केप मैनेजर नेटस्केप कम्युनिकेटर 4.0 के साथ पैक किया गया है, ईमेल क्लाइंट है, तो बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96। यूजनेट एंड इंटरनेट आर द सेम थिंग। यूजनेट और इंटरनेट एक ही चीज है, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। द ओपेरा वाज द फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर टू द इंटरनेट। ओपेरा इंटरनेट का पहला और सबसे मजबूत टेक्स्ट आधारित जो ब्राउजर था, बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98। द इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट कैरीज मैसेजेस व्हाइल द वर्ल्ड वाइड वेब रिप्रेजेंट्स ओनली द पोर्शंस ऑफ द नेटवर्क दैट यूजेस स्पेशल पोर्ट्स टू परमिट द एक्सचेंजेस ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो एंड वीडियो। इंटरनेट एक नेटवर्क है जो संदेशों को ले जाता है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क केवल उस हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है जो टेक्स्ट ग्राफिक्स ऑडियो और वीडियो के आदान प्रदान की अनुमति देने के लिए विशेष पोर्ट का उपयोग करता है। तो आप सभी बच्चों को बताना है, जल्दी बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। TCP/IP specifications were published as open standards, meaning that they are not allowed by any company or government. तो जल्दी से बताना है बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। TCP/IP विनिर्देश को खुले मानकों के रूप में प्रकाशित किया गया था, जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी भी कंपनी या सरकार द्वारा अनुमति नहीं है, बताना है बच्चे को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका ट्रू। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। स्टूडेंट इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। करंट वर्जन ऑफ मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स ट्राई टू ब्लॉक वेबसाइट्स दैट अटेम्प्ट टू इनवेड यूजर्स प्राइवेसी। अधिकांश ब्राउजरों को वर्तमान संस्करण वन वेबसाइटों का ब्लॉक करने का प्रयास करता है, जो उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता पर आक्रमण करने का प्रयास करती है, तो बताना आप सभी बच्चे को इस क्वेश्चन का ट्रू होगा या फॉल्स होगा। जल्दी बताइए आप सभी बच्चे, जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से बताना आप सभी बच्चों को, जल्दी बताइए आप सभी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ट्रू। स्टूडेंट्स आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा, 100 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चंस को करेक्ट किया है, आप सच हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ट्रिपल सी कोई भी अपडेट आता आए उससे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकते हैं। एसएमएस पीडीएफ इसका आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
मैं वहां ऐड कर दूंगा, आप डायरेक्टली आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप सभी के लिए मोस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आप सभी अगर आपने ये क्लासेज अगर सही से नहीं देखा है तो दोबारा से इस क्लासेज को रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक भी क्वेश्चंस को अगर आपने मिस किया है, स्किप किया है, तो आप सभी दोबारा से इस क्लास को देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास को दोबारा से देख लीजिएगा, और आप सभी का कल एग्जाम्स है, तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एवरीवन स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। आपके रिविजन क्लास में आप सभी के लिए कल मॉर्निंग में लेकर आऊंगा, जो कि सुबह 8 बजे आपकी क्लासेज होगी एनआईएल आपका इसी चैनल पे। आप सभी को मैं सुबह 8 बजे मैं आप सभी को रिविजन क्लास लूंगा, जो कि आपको एग्जाम से पहले देने से पहले आप सभी को देख लेना है। एग्जाम जाने से पहले आप सभी को क्लासेज देख लेना है, क्लासेज को देखकर फिर आप एग्जाम बैठिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।